नारद जी ने कहा कि यदि ये बाण मारना चाहता तो क्या अब तक तुम जिंदा बचते? नारद देखा विकल जयंता लागी दया को मन चित संता। नारद देखा बात चल रही थी कि यदि दृष्टि बदल गई, दृष्टि जिस दशा में चली गई तो फिर उस दिशा में अपने आप ही गति होने लगेगी। गति को अलग से कुछ करना धरना नहीं है। उसके लिए मैंने आपको वो कथा सुनाई। कौन सी वाली? साइकिल वाली है। तेरे बाप को आता है, नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। भैया नारद जी ने जयंत की दृष्टि बदल दी। दृष्टि गड़बड़ थी इसलिए उसे राम में भी काम दिखाई दिया। क्या? राम में भी काम दिखाई दिया, क्योंकि वो कामी की औलाद खुद है ना। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके मम्मी पापा तैसे ताके। अरे प्यारे बड़ा जोश है। इसलिए इसे राम में भी राम नहीं देख पा रहा बेचारा। राम में क्या देख रहा है? काम देख रहा है। हाँ? सुना है तुमने? सुना नहीं। वो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे है। नजर ही तो है, दृष्टि ही तो है। प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। प्यार के काबिल ए मेरी धड़कन ठहर जा, ऐ मेरी धड़कन ठहर जा।
मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। प्यार के काबिल ऊंट की तरह मैं टकराओ करो प्यार से बोला करो आपकी नजरों ने प्यार के काबिल मुझे ऐ मेरी धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने। लेकिन जयंत कहता है कि तुम मुझे जहां भेजना चाह रहे हो वहां से तो आया ही हूं, हैं? वहां से तो अब हिम्मत नहीं पड़ रही जयंत की। क्यों? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे, मैली करके ले आना पहले, चादर मेली नहीं होती दृष्टि मेली होती है। हाँ? न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे साधन नहीं होय भजन नहीं तामस देहा। तूने तुझको जग में भेजा देकर निर्मल आया हो, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया। हे पावन परमेश्वर तेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सकरी गलियों में हे प्यारे क्या तुम आ पाओगे, दाग लगे मेरे दामन में क्या मुझको अपना पाओगे, या तो कबूल कर मुझे मेरी नादानियों के साथ, या तो कबूल कर मुझे मेरी नाकामियों के साथ, या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी बदनामियों के।
टेंशन मत लेना प्यारे हो, गंगा में आ जाओ, साफ कर देगी सारे दागों को, फिर सीना तान करके जाना के ले आ गए धुली है चादर मेरी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित सकल लोक जग, धोबी घाट आया है, धोबी घाट आया, सकल लोक जग पावन गंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सच पूछिए तो मैं बहुरूपिया हूं, सदगुरु धोबी होता है साहब, सदगुरु कुमार होता है, सदगुरु झाड़ू होता है, संत झाड़ू होता है, कभी घड़ा बनाता है वो, कभी कभी तुम्हारे घर की परिवार की सबकी वस्त्रों की सफाई करता है। सच पूछिए तो मैं बहु रूपिया हूं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे मैं द्वार तुम्हारे बात बताऊं। कभी कभी तुम कहीं जाना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो, आपके रूप और रंग वगैरह को देख करके वहां के गार्डों ने आपको रोक दिया, आप रुक जाओगे ठीक है, लेकिन यदि आपका कोई सपोर्टर बहुत बड़ी पहुंच वाला हो और फिर वो तुम्हारी उंगली पकड़ के ले जाए या कोई कागज लिख करके दे दे और कह देना कि ये ले जाओ, तो गार्ड हाथ जोड़ करके कहेंगे अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, सॉरी गलती होगी, चलो चाय लोगे नाश्ता समोसे खाओगे कि जलेबी, सॉरी गलती होगी, अब दोबारा वहां मत कहना है। तो मोते अधिक बोलो बोलो संत कर लेखा, हाँ जयंत जाने लायक नहीं है, लेकिन नारद जी ने कहा कहना किसी संत ने भेजा है, किसी महापुरुष ने भेजा है, किसी महात्मा ने भेजा है। बोले नहीं नहीं मेरी तो हिम्मत नहीं, मैं कह नहीं पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, जब तू लौट करके जाएगा दोबारा जाएगा तो जिसके यहां जा रहा है वो समझ लेगा कि कोई विशेष विशेष पाबरी लेके आया होगा, नहीं दोबारा आने की हिम्मत तो इसकी नहीं, कोई महापुरुष नहीं भेजा होगा, हैं क्यों परमात्मा की तरफ कौन भेज सकता है साहब, हैं सन्मुख होइ जीव मोहि जब, कोई महापुरुष ही तो मेरी तरफ रुक कर सकता है और किसी की हिम्मत कहां है, और फिर जब वो मोहर लगा के भेज देना तो फिर मेरे बाप दादाओं की भी दम नहीं है। मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर की, सातम सम मोहिमय जग देखा, विदाउट ग्रेट मैन मेरे समान संतों को देखना, नहीं मेरे समान दुनिया को देखना, लेकिन दुनिया में संतों की गिनती मत करना, नहीं सातम सम मोहि में जग देखा, तब अलग से कहने की क्या जरूरत है, क्या मोते अधिक संत कर लेखा, क्या कहूं मैं आपको, आई एम एक्सपीरियंस होल्डर दिस मैटर, सो आई रिक्वेस्ट यू माई डियर ऑल मैंस ऑल जेंटलमैन्स, लेडीज एंड लेडाज, आज मेरे गुरुजी आए तो मैं उन्हें खुश कर देना चाहता हूं।
मैली चादर ओढ़ के मैं द्वार तुम्हारे भैया। अब मैं थोड़ा सा कथा का क्रम निभाना है मुझे। अभी हम पढ़े चित्रकूट पे और मुझे लंका से अभी अयोध्या लौट करके आना है। आपको जल्दी तो नहीं है? अच्छा निकम्मे ही हो बम्मा। अरे वाह बलिहारी बेटे बलिहारी याद दिला एक बम होगी साहब। Only for you. जोर से बोलो बांके बिहारी लाल की। मेरे साथ देना ठीक है साथी हाथ बढ़ाना सब साथ देना। आहो हम छोटे से इतने तब बिराते थे आदमी को आज मुझे तुम बिरा रहे हो ठीक है भैया ठीक है मर गए तुम्हारा जैसी करनी हमने बिराया लोगों को आज हमको लोग बिरा रहे हैं। जान मत लो भाई मेरी सुर मिलाते हो ना काश भगवान करे तुम अपने घर वालों के साथ सुर मिला सको। घर वाले घर में तो तुम असुर हो जाते हो है? मेरे साथ जैसे गुल मिल जाते हो काश भगवान करे तुम घर में गुल मिल जाओ। वैकुंठ इस धरती पर तुम्हारे घरों में आए हैं फिर मेरा मन करे के जाके दो रोटी खाऊं।
ऐसे तुमने हाँ? चलो थैंक यू धन्यवाद। क्या बोला तेरी ऐसे जोर से क्या बोला तेरी बोले जा प्यारे बाम बोले हाय बोले जा प्यारे बाम बोले बोले जा प्यारे बाम बोले साढ़े तीन बज गए हैं बाबा 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 क्या बोला तेरी बोले जा प्यारे बाबा बोले हाय बोले जा प्यारे बाबा बोले बोले जा प्यारे बाबा बोले बोले जा प्यारे बाबा बोले अब ताली बजाओ हंसी बांटता है अब सारी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा उधार ठीक है आइएगा अगली गदा में आदि नहीं करूंगा आदि भी चुनो कुछ भी नहीं करूंगा अच्छा ज्यादा इच्छा है बड़ी आफत है अरे तुम्हारे बाप का नौकर लग रहा हूं मैं बहुत बढ़िया आहो साधु न के निरमल हो बोला तेरी बोले जा प्यारे चढ़ गई भी बेचारे चढ़ 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 वाह प्यारे चतरों की पगलों की अनुपम में फिल्में चतरों का नहीं ठिकाना जी ये पगलों का प्रेम नगर है आगरा
आग आग, जहां आग से राहत मिले। आग राह, जहां आग से राहत मिले। और प्रेम नगर तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि सारी दुनिया की सबसे प्रेम की मशहूर इमारत कहां है, कौन सी? हाँ, प्रेम का आगरा है। एक आगरा के ऊपर एक बात कहूं, अरे यार साढ़े तो पौने चार बज गए। वो शहर आगरा मेरा, हाँ गादू गादू। बाहर के लोग बुरा मत मानना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। जहां जमुना जी की कल कल ध्वनि से होता नया सवेरा, वो शहर आगरा मेरा, वो शहर आगरा मेरा, वह शहर आगरा मेरा, वह शहर आगरा मेरा। जहां गुप्तेश्वर से ऐसे शिवाले यमुना तट पर बैठे, यमुना तट पर बैठे। मसूर है गुप्तेश्वर महादेव के मन कामेश्वर है। अरे गुप्तेश्वर तो ग्वालियर में है, सॉरी सॉरी धोखा हो गया। क्या है हाथी घाट पे कौन सा? मन का मेश्वर है। वाह वाह, वहां तक मेरी बात पहुंचे। देवों के देव महादेव, कालों के काल, डमरू बारे की श्यापन बारे की, श्यापन बारो जानता? दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा है श्याप। अच्छा अच्छा के जहर उतार देता है, जहर उतारने वाला है। बोलो हनुमान जी महाराज की, मुझे दोष न देना जगवालो। अरे वो कुछ आते हो मुझे तो मैं कहना नहीं कि रामायण कहां से कहां पहुंच गई। ठीक है भैया, जयंत आकर के चरणों में गिर पड़ा संत की कृपा के कारण। सो बिन संतन काहू पाई, राम जी का मन खट्टा हो गया। बोले अब यहां के लोग राम में राम नहीं देख पा रहे हैं, तो यहां रहना ठीक। और इस समय राम साधु वेश में है, और साधु तो रमता भला है। ज्यादा दिन कोई साधु ठहरे तो लोगों की दृष्टियां बदलने लगती हैं। जयंत की दृष्टि बदल गई है, जहां होए खटपट और वहां से चलो झटपट। हमसे हमारे भक्त लोग बड़े परेशान है, बोले बाबा कहीं टिकत ही नहीं। मैं पकड़ पकड़ के ले जाता टेसू की तरह बैठा, तो मैं तीसरे चौथे दिन मत गायब हो जाता है। क्या करूं भाई, क्या करूं जग में
लगता रे मोहन, जग में दिल नहीं मोहन। नहीं नहीं, ये भजन में इस यजमान की कथा में नहीं गाऊंगा, क्योंकि ये राम कथा है। मैं इस भजन को इसकी समधि की कथा में गाऊंगा साहब, वहां के लिए कंफर्म कर दिया है, बंटवारा कर दूं क्यों किसी का किसी में, क्योंकि वहां माखन चोर की कथा है। कुछ बचा के तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब तुमसे कह क्यों रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं तुम आना हो, जिस इसी लिए तो आओगे, कुछ उधार रहना चाहिए। है पास में ही है, पास में बिल्कुल ग्वालियर रोड पे। सलेम बात भगवान राम का मन उछट गया साहब, क्यों जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। तुरंत राम जी ने चित्रकूट को विदा किया कि धन्य धन्य जाठौर को हमन कियो विसरा, हमसे पंछी रम चले कोई और करो विसरा। नहीं यहां की बात नहीं कर रहा है। भगवान पहुंचे हैं पंचवटी पर, कहां पंचवटी, ये पार्श्वनाथ वाली पंचवटी नहीं, पंचवटी से लोग आते हैं क्या कुछ सुनने के लिए, है नहीं आते, आ जा ये मेरी मम्मी आती हैं। अच्छा है, बढ़िया है, आए आप, शुक्रिया। वैसे पंचवटी मुझे तो अधूरी लगती है अभी, जहां राम विराजमान न हो तब तक पंचवटी पंचवटी रहे, राम विराजमान करिए उसमें, राम न विराजमान हो तो राम की कथा विराजमान करना हो, पंचवटी पूरी हो जाएगी। ठीक है भैया, पंचवटी पर भगवान निवास करते हैं और वहां पर आ जाती हैं वो श्रीलंका से बेई, और नाम मत ले बाबू मोह पे, क्योंकि जरूरी है ऐसी को नाम ले वो, कोई जरूरी है क्या, बस समझ लो आप, समझ तो गए ना, समझदार हो आप लोग, बेन समझे, अच्छा आप समझे नहीं, अच्छा नहीं समझे ना, सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद, थैंक यू आपने बताया। श्रीलंका श्याई सिस्टर ऑफ द रावण, आप समझ में आ गए, आ गई आ गया, अब सिस्टर ऑफ द, क्योंकि मैं बहन जी कहने में शर्म करता हूं, बहन वो नहीं है, इस देश में बहन की ये परिभाषा नहीं है, सिस्टर की डेफिनेशन ये नहीं है, बहन की परिभाषा इस देश में तो अलग है। भैया मेरे भैया मेरे राखी के बंधन को, बहन तो वो हुआ करती है, और ये क्या कहती है, या को तो पता ही नहीं भैया कहाँ है कहाना है, ये तो डोल रही है, है और अकेली डोल रही है, न साथ में भाई है न बाप है न माँ है न चाचा न ताऊ न भतीजो, है अकेले, इसका मतलब क्या है, आप सब समझदार हो, कोई ना कोई चाहिए नाक कतरने वाला, है कोई ना कोई चाहिए हम पे, है ना,
मेरे देश की बेटियां, मेरे देश की बहनों की तो उनकी शादी के बारे में कोई और भी चर्चा करे घर में तो अंदर घुस जाती है, है ना। और भी कोई चर्चा करे अपने मुंह से करना तो बहुत दूर की बात है साहब, कोई दूसरा भी करे, घरवाले कर रहे चर्चा, वो सुनती नहीं है, वो सुनती नहीं है साहब। यहां तक कि बाको बाप नहीं हो, भैया नहीं हो, चाचा ताऊ भी ना हो, फिर भी वो चर्चा नहीं करती। कोई उससे कहे कि तुम अब अपनी घर की करता धरता अकेली हो है, तो तुम तो कम से कम बोले नहीं चाचा नहीं है कोई बात नहीं, ताऊ नहीं है कोई बात नहीं, मामा तो है, वहां तक विश्वास रखती है साहब इस देश की बेटी। कोई शक किसी को बोलो, ये थोड़ी सी थोड़ा सा कुछ हवा चली है, कुछ पाश्चात्य कुछ ये नेट वेट के माध्यम से, कुछ ये चैनलों के माध्यम से, तो वो सुपर्ण खां की हवा थोड़ी बहुत कहीं आ गई है वो अलग बात है, लेकिन भारत के खून में ऐसा है नहीं साहब, इसके खून में नहीं है। रघुवंशी न कर सहज सुभा मन को पंथ पग धरे न का, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यहां की तासीर नहीं है, यहां की ये है ही नहीं साहब, और वो तो कहती है ओ राम माय डियर आई रिक्वेस्ट यू मोस्ट वांटेड यू आर एग्री। राम ने कहा नो नो आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एक्सेप्ट यू, प्लीज यू कैन वेयर नियर माई ब्रदर माई स्मॉल ब्रदर। सुपर्ण का पूछती है भाई क्यों समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता उधार, ठीक है उधार। प्यारे रास्ते के खिले हुए फूलों को देख करके ज्यादा मत ठहरना, आगे बहुत सुंदर फूल हैं, वंचित रह जाओगे तुम तो। मैं जो फूल दिखाता हूं बोले नहीं जइया जइया जइया, अभी तुम्हें पता क्या है आगे है क्या है, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा। पहले मैं कब्बाल ही गाया करता था, आई एम कब्बाल, सुनाओ सुनाओ उधार। नहीं नहीं देखो अब ये सब एक लाइन, ये बाबा लोगों को क्या होगा, अरे तुम तो राम का नाम सुनो कब्बाली में क्या रखा। अच्छा कभी स्पेशल शाम की मीटिंग रखेंगे ठीक है ना। अरे यार देखो ये बदमाश सुनी, अच्छा ईश्वर अल्लाह तेरोई क्यों आके रो रहा मोहम्मद के शहर आके रो रहा रामानंद सागर ने कभी भी रामायण पूरी नहीं की, जब भी वो काटते थे ऐसा काटते थे गर्दन, हाँ तो उसी का चेला हूं ऐसा समझो, ठीक है हाँ।
प्यारे हो। वो आई हैं, भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जी के पास चले जा। लक्ष्मण जी को कुछ मैटर ही पता नहीं कि ये अचानक हैं बादर न बदरिया, ये टपर टपर कहां से, ये क्या। जैसे वो सामने आई, लक्ष्मण जी ने इशारे से पूछा, तो मैं तो शॉर्ट में कह रहा हूं, दो तीन बार चक्कर भी काटे उसने। लक्ष्मण जी ने पूछा कि क्या मामला क्या है, तो राम जी ने कहा कि तो नकटी है, जाके मोहम्मत लगी हो। अब राम जी ने कही जी नकटी है, ये तो नकटी है। लक्ष्मण जी समझ नहीं, लक्ष्मण जी समझ उड़ाए दे। कुछ जल्दबाज लोग होते हैं ना, वो तो जल्दी करते हैं, न सोचे न। उन्होंने कहा कि अच्छा तो ले अपने, देरी तो कोई बात की, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राम जी ने देखा कि जी तो लक्ष्मण ने भाई ज्यादा इतने लायक तो बिचारी अब है गो सो। तो सीधी गई खरदूषण को मरवाती हुई रावण के पास। मंत्री ने जाके कहा रावण से, महाराज महाराज महाराज। रावण बोला काय चीख रहे हो चिल्ला रहे हो, क्या हुआ। अरे बोले वो आपकी सिस्टर, आपकी। बोले सिस्टर है तो कोई तूफान हैगा। अरे आज तूफान नहीं, तूफान को बाप है। बोले क्यों क्यों क्या हुआ। बोले वो उनकी जो सोने चांदी की चीजें है ना, वो हमेशा 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 के लिए डिबिया में धर गई। रावण बोले यार तू भी बड़ा विचित्र आदमी है, जो डिबिया में धरे के वो बटुआ में धरे के वो क्या क्या होती है ड्रॉयर होती है के वहां में अलमारी में धरे के कहूं बैंक में धरे, वो जहां तहां धरना हो तहां धरे, जाते काले न देना। बोले नहीं नहीं महाराज, समझो समझो, समझ समझ के समझ को समझे, समझ के समझना भी एक समझ है, समझो तो सही। बोले मैं नहीं समझा, जरा खुल के बोल। अरे बोले महाराज बोलू क्या, अब आपकी सिस्टर को कभी जिंदगी में जुखाम ही नहीं होगा। बोले जुखाम नहीं होगा। बोले जुखाम को मामलो ही समाप्त है। इतनी देर में तो वे सिस्टर हाजिर हो गई। तब रावण ने देखा कि अच्छा ये मंत्री ये कहना चाहता था। करसी पान सो बस दिन राती, रावण तू बड़ा विद्वान बनता है लेकिन मुझे तेरे से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दिखाई नहीं दिया। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। लाइन पे आई तो सही पर ना के बोलो बोलो कटा के आई। अब उपदेश कर रही है सुपर्णखा जैसी नारी, क्या पुष्ट कोटि का उपदेश कर रही है साहब, वशिष्ठ जैसा दशरथ जैसा। कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। सुपर्णखा जैसी नारी से ऐसा ज्ञान कैसे प्रकट हुआ, तुम कहो तो मैं बता दूं, न कहो तो समझ लो। अरे प्यारे हो, कोई कितना भी असुर रहा हो, कितना भी कोई दुष्ट रहा हो, कितना भी कोई बुरा रहा हो, जिसे लखन का स्पर्श प्राप्त हो जाए और जिसे राम की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो अपने आप ज्ञान फूट पड़ेगा। कहां से आई है ये तो देखो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ज्ञान वैराग्य किसी किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं है, किसी किसी उच्च कुल का मोहताज नहीं है, किसी यहां तक मैं कहूंगा, एक तो समय नहीं है, मैं कहूं तो क्या कहूं, इतना जरूर कह दूंगा चलते चलते कि मैं तो यहां तक ज्यादा अच्छे आहार व्यवहार खान पान का भी मोहताज नहीं है साहब। ऐसा तो मैं समझना कि हम गलत खान पान करने लगे, लेकिन इतना कहूंगा कि जटायु का क्या आहार था बेचारे का,
क्या व्यवहार था, क्या क्या था है? जटायु की धूरे जटा न सोझाए, आहार कर करके अच्छे नियम संयम और वो सब कर करके मर गया पिता। मैं भीष्म बेचारा अखंड ब्रह्मचारी मर गया, लेकिन अपने हाथ से कृष्ण ने दाह संस्कार नहीं किया, तरसता रह गया पिता। मैं भीष्म और ये जटायु, ये दोनों बुढ़े हैं, लेकिन एक बुढ़े को बाणों की सैया पर पड़ा रहा है, जन कितने महीना इंतजार करता रहा। तब एक झलक देने गए, वो भी गोद में नहीं उठाया, धूल नहीं जराई, दाह संस्कार अपने हाथों से नहीं किया। और जटायु का, तभी जटायु को उठाऊंगा साहब, जटायु जटायु। तो कहने का मतलब ये ज्ञान, ये किसी, ये सत्य का प्रकट होना है, ये किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। सुपर्णखा ठीक परिस्थितियों में नहीं रही, ठीक है, लेकिन यदि स्पर्श हो जाए किसी बैरागी का, किसी त्यागी का, तृण सम सिद्धि तीन गुण, किसी असंग का, असंग का, किसी परमात्मा के निकट सेवक का, समझ रहे हो कि नहीं? लक्ष्मण की बात कर रहा हूं भैया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा ततः पदम तत परमार्ग तव्यम, महत संगस्तु दुर्लभ अगम्यो अमोघश्च। इसलिए ज्ञान बखान रही है सुपर्णखा, नहीं कहां बेचारी ज्ञान बखान लायक थी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, और कांच से हीरा बनाया मेहरबानी। मैं आपको बताऊं, मैं सर्व अवगुण संपन्न व्यक्ति, सबके सामने खुलेआम कह रहा हूं, मैं सर्व अवगुण संपन्न व्यक्ति, लेकिन किसी संत की दृष्टि पड़ गई है। क्या हो गया? वैराग्य की दृष्टि पड़ गई इसके ऊपर, सुपर्णखा के ऊपर। काम की मारी थी, अब राम की मारी हो गई है। पहले काम चलाऊ थी, अब राम चलाऊ हो गई है। नजरें बदली, नजारे बदल गए। रावण तो पहले भी सोता था, पहले नहीं जगाया, लेकिन आज वो कह रही है कि कर शिपान सो बस दिन राती, नहीं खल सुध सिर पर आराती। ज्यादा तो मैं क्या कहूं आपको, रावण को जगा दिया है इसने, रावण सो रहा था है? पहले यही रावण को सुलाती थी और अब यही रावण को जगाती है। आप वही हो जो आज से 10 दिन पहले थे, लेकिन आप वह रहे नहीं हो जो आज से 10 दिन पहले थे। और रह गए हो तो फिर भैया, रह गए हो तो रह गए हो। मैंने कोशिश तो पूरी की कि आपको वो छोड़ू ना जो तुम 10 दिन पहले थे, फिर भी रह गए हो तो हरे इच्छा भावी बलवाना। यह हमेशा रावण को सुलाती थी और आज रावण को जगा रही है। क्यों? क्योंकि यह खुद किसी जगे हुए का स्पर्श पाके आई है।
जागृत पुरुष का जो कभी सोता कौन लक्ष्मण किसी जागृत पुरुष का स्पर्श हो जाए चाहे स्पर्श जरूरी नहीं है कि शरीर से हो छूकर नजर बदल जाएगी दृष्टि बदल जाएगी गति बदल जाएगी छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा मैंने तुम सबको छुआ है चाहे भले ही तुम पांडाल के बाहर बैठे हो चाहे भले ही तुम अंदर बैठे हो चाहे तुम कुर्सियों पे बैठे हो चाहे तुम नीचे बैठे हो मैं चाहता हूं मुझसे कोई अछूता न रह जाए सबको स्पर्श किया है बदला मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा जागृत पुरुष के पास से आई थी इसलिए इसका बदल गया नजारा दृष्टि बदल गई गति बदल गई विचार बदल गए भाव इसलिए कहती है कर से पान सोवस दिन रात तो क्या करूं बोले तू खुद सोच तू खुद सोच तब उसने देखा कि अब क्या करना चाहिए देखा कि साधन मेरे बस की बात मैं साधन नहीं कर सकता होई भजन नहीं तामस देहा रावण के बेचारे के पास एक ही उपाय था बस वो उसने कर डाला बैर कर डाला एक बात ध्यान रखना जो जिंदगी भर से तुम कर्म करते आए हो वह कर्म यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो वह कर्म ही भक्ति बन जाएगा कर्म बदलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बैक गियर में चलना बहुत मुश्किल है न तो स्पीड होगी और ज्यादा देर चल भी नहीं सकोगे जिस कर्म को जो सहज प्रवृत्ति तुम्हारी बन गई है अपने उसी कर्म को परमात्मा से जोड़ दो तुम्हें कमाने की आदत हो गई खूब कमाओ लेकिन कमाई को जब तक संसार के लिए कमाया तब तक संसार के लिए अब उसके बाद कर्म वही करो लेकिन उस कमाई को परमात्मा के नाम करो परमात्मा के काम में लगाओ है तो वही कर्म तुम्हारा भक्ति बन जाएगा यदि तुम कर्म है छोड़ के और बाबा जी है भी कोशिश करोगे तो मां बैठे जरूर हो पर मन मई रहो हैं वो कर्म बार बार याद आएगा क्यों कर्म पीछा छोड़ता नहीं है सुंदर नाम न रखने से किंकर नाम बदल जाता है ये दुनिया वाले आदत से मजबूर होते हैं हैं ये दुनिया वाले आदत से मजबूर होते कर्म मत बदलना नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बहुत से लोगों ने जुलाहे का काम किया था उन्होंने वही काम किया किसी ने भार झोंका था उसने भार ही झोंका है खेती की थी उन्होंने खेती ही करी बिना बीज के उपजो खेत कर्म मत बदलना जहां हो वहां उस कर्म को परमात्मा से जोड़ना ठीक है मैं तो अपने जितने भी मेरे श्रोता हैं उनसे कहता हूं
जब तुम्हारी बाबाजी होने की इच्छा हो, मन नहीं लगा संसार में, तो फिर मैं तुम्हारे घर को ही मंदिर बना दूंगा, आश्रम बना दूंगा, वहीं रहना। फिर तुम मेरे लिए कमाना, ठीक है? मैं आऊंगा अपने चित्रकूट को, विचित्रकूट को लेकर के, हैं? और वहीं पर चित्रकूट बन जाएगा, विचित्रकूट बन जाएगा, कहीं आना जाना। कर्म कहां, क्यों बदले हम कर्म? अभ्यास से हमने कितने नुक्से आ जाते हैं, करते करते उसको कितने तरीके आ जाते हैं, कितने हुनर आ जाते हैं, हैं? और उसे छोड़कर कोई दूसरा काम चालू करोगे, दूसरा धंधा चालू करोगे, तो आपके लिए नया होगा, बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। और उस समय फिर सीखने की और समझने की क्षमता तो होती नहीं है। कर्म प्रधान, बोलो बोलो, विश्व कर राखा। भैया रावण मारीच को लेकर के आया, सोने का मृग बना करके पंचवटी में, पार्श्वनाथ वाली में नहीं, उधर पंचवटी वहां पर भगवान राम को आदेश देती हैं सीता जी। तो क्या हुआ पता है? लखन राम चले गए हिरण के पीछे और ध्यान बट जाता है, ध्यान बटा देते मेरा लोग। आओ चलो, मैं इतना कह दूं कि सीता चोरी है गई, ठीक है? सीता जी चोरी हो गई, लौट के भगवान आए और वहां देखा तो कोई मिला नहीं, ढूंढते ढूंढते जटायु से मुलाकात करी। जटायु से जब निवृत्त हुए तो फिर सबरी से मुलाकात करी, नवदा भक्ति का उपदेश वगैरह हुआ और कहा भगवान ने कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। ये नारी का शरीर या पुरुष का शरीर परमात्मा के यहां इसका भेद नहीं है। नारी पुरुष सचराचर को। और भगवान क्या, एक बात और बताऊं, भगवान के यहां न कोई धर्म से बड़ा है, न कोई विद्या से बड़ा है। भगवान कहते हैं कि जिसके पास भक्ति है वो मेरे लिए बड़ा है। हाँ? और इस बात को मैं एक बात से और आपको बैठा दूं कि सीता जी ने हनुमान जी के द्वारा राम लखन दोनों को प्रणाम भेजी है। अनुज समेत गहे प्रभु चरना। क्या उल्टी गंगा नहीं है? देखने को देखा जाए तो सीता जी को हमेशा लखन ने मां माना है, है? लेकिन बहुत से लोग अपनी पत्नी को छोटी समझते हैं कि पत्नी तो हमेशा छोटी ही है। बड़ा बड़ा गड़बड़ मामला, दिमागों में तुम परमेश्वर बन के बैठ गए। कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी भगवान की महफिल में कभी गए नहीं, हैं? और कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। मैं चढ़ाव बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, पहले अपने आप को तौलो, फिर सामने वाले को तौलो।
उसके बाद कम से कम सोचो कि करनी तो हमको सेवा चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारी सेवा कर रही है, हैं? क्या ये कम है? भगवान ने ये कह दिया था कि योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहे आज सुलभ भई सोई। उधर सीता जी ने क्यों कहा कि अनुज समय तक गहे प्रभु चरण? सीता जी ने इसलिए कहा कि सीता और लखन दोनों ने ये प्रण किया था कि हम आपके चरणों के अलावा दूसरा कुछ देखेंगे ही नहीं। सीता जी वहां चूक गई। सीता जी कहती हैं कि मैंने चरणों को छोड़ा और हिरणों को देखा, चरण को छोड़ा और हिरण को देखा, इसलिए मैं अपने पथ से भटक गई, इसलिए मैं यहां पड़ी हूं। और एक वो बैरागी है, हैं, जिसने कभी सिवाय भगवान के चरणों की और कुछ देखा ही नहीं, इसलिए उसके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूं, यद्यपि मैं उसकी मां हूं, लेकिन वही बड़भागी है जो राम चरण अनुरागी है, वही बड़भागी है। एक बात बताऊं, थोड़ा सा परामर्श दे रहा हूं, अच्छा ना लगा तो वापस, ठीक है? वैसे दुकानदार कहते हैं कि बिका हुआ माल, लेकिन मेरा माल तो वापस। इतना कहूंगा, कभी कभी कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि तुम धर्म कर्म में डोलते रहते हो और यहां वहां जाते हो, अरे कम से कम घर परिवार है तो देखो, दोनों में झगड़ा होता। कहीं कहीं पति भी ऐसा कहते हैं, बेस तो तू धर्म कर्म में जाते हो, सत्संग में जैसे काम होते हो सत्संग तू में पाओ तो दबाते ना। अरे प्यारे जरा सोच तो सही। इतना ही कहूंगा, समझ तो गए ना आप सब लोग? हाँ, अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा। कद तुम्हें कहीं घुसने नहीं दे रहा है ना। अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा, उनकी महफिल में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। सबरी से मुलाकात हुई, फिर सुग्रीव के पास गए, हनुमान जी ने मित्रता कराई, बाली को मरवाया बेचारे को, है? भगवान राम इंतजार करते हैं कि सुग्रीव करेगो मेरो काम, करेगो मेरो काम, करेगो मेरो काम, लेकिन हम लोगों के पास इतने मुखौटे हैं कि जब हम काम बनवाने के लिए जाते हैं तो हमारा मुखौटा कुछ और होता है, और जब दूसरों के काम बनाने का नंबर आता है तो हमारा मुखौटा कुछ और होता है। हम सबकी बात है, मैं भी आप में सम्मिलित हूं। जब हम इतना ही कहूंगा, ठीक है? चल इतना तो कह ही दूं कि इतना इतना आप अनुभव करते हो कि किसी को जब तुम देते हो तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन मांगना पड़ जाए तो कितना अच्छा लगता है, हैं? मुखौटा बदल गया ना। तो सुग्रीव से हम एक इंच भी कम नहीं है। हाँ, मैं की बात को तो लेके भाग रहूंगा, अरे भाई दे दूंगा। कितने दिन आएंगे? बोले अभी का 25 साल ही तो भैया, लेके भाग रहूंगा, यही हूं या गांव में ही हूं भैया। हनुमान जी ने समझाने की कोशिश की सुग्रीव को, लेकिन सुग्रीव बहाने कर देता कि तुम तो जानते हो बिजी हूं, थोड़ा ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। हनुमान जी बोले जैसा करेगा वैसा करेगा, वैसा भरेगा।
आखिरकार फिर लक्ष्मण जी को भेजा, धमका के ले आए, फिर उसके पास टुकड़ी गई है। हनुमान जी को राम जी ने पीछे से मुद्रिका दी, वो टुकड़ी खोज करती हुई स्वयं प्रभा के दर्शन करती हुई पहुंची है समुद्र के किनारे, कुछ अपने बल पर, कुछ राम कृपा के बल पर। अपने बल पर जहां तक पहुंच सको पहुंचना, लेकिन भैया पार तो राम की कृपा ही, स्वयं प्रभा की कृपा से, ये राम की कृपा है, स्वयं प्रभा की कृपा से। मूंदौ नयन विवर तज जाऊ पैहौ सीतहिं जन पछि, फिर उनकी गति, पैर नहीं चले हैं, स्पीड बड़ी है। अब तक पैर चले थे, स्पीड ज्यादा न थी, बिना गति के गति हुई है। विवर में से सीधे जब आंख खोली तो कहां पाया, समुद्र के किनारे, सागर के किनारे। कृपा के बल पर हम जाएंगे तो कोई थकान नहीं होगी, है कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमको चलना नहीं पड़ेगा, हम बिना चले ही पहुंच। लेकिन बशर्त है अपनी आंख न खोलें, यानी अपनी दृष्टि का प्रयोग ज्यादा न करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा न करें। हनुमान जी आगे, फिर आगे की यात्रा के लिए हनुमान जी ने की, मैं नाग पर्वत से प्रणाम करते हुए, सुरसा को प्रणाम करते हुए, सिंह का को प्रणाम नहीं, सिंह का तो सुपड़ा साफ करते हुए लंकिनी के पास पहुंचे। लंकिनी ने कहा, ए चोर। हनुमान जी बोले, हम तो सीआईडी इंस्पेक्टर है, हमको तो सूचना मिली है कि चोरी का माल, हमको तो संपाति ने बताया था कि मैं देखूं तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार। हमको तो सूचना मिली, हम तो जांच करने आए थे, और ये हमको ही चोर कह रही है। हनुमान जी समझ गए, क्यों, मैं आपको कह चुका हूं, साधु को साधु दिखता है, भोगी को भोगी दिखता है, योगी को, तो यहां लंकिनी कौन है, खुद बोलो बोलो चोर। इसलिए हनुमान जी भी चोर दिखाई दे रहे हैं, चोर की गुलामी करती है ये, हा? लेकिन संत इलाज करता है, जिसके कारण इसकी आंखों में गड़बड़ी हुई है, दृष्टि में गड़बड़ी हुई है, हनुमान जी ने ऑपरेशन कर दिया साहब, बिना थिएटर के। क्या कहते हैं उसको, सीओडी कहते हैं, क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर को, जो भी कहते हो ठीक है, उसमें नहीं ले गए, सीधे चौरे में ऑपरेशन कर दिया, रक्त निकल गया। रक्त माने राग, रक्त निकल जाता है तभी तो दृष्टि सही सही होती है, नहीं तो हम राग की दृष्टि से देखते हैं किसी को, और किसी को द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, और जब रक्त निकल जाता है तो फिर हम विरक्त हो जाते हैं, और विरक्त के पास ही ओरिजिनल दृष्टि होती है साहब, जिसको हम निर्मल दृष्टि कहते हैं। हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे, युक्ति बताई, लंका में पहुंचे, साहब सीता जी को प्रणाम किया, माँ ये फल बड़े अच्छे लग रहे हैं। बोले बेटा जी, फल फल तो अच्छे लग रहे हैं, पर जिनते ज्यादा आसपास छुपे हुए जिनते ज्यादा और अच्छे लग रहे हैं, रखवारे। बोले तिनकर भय माता मोहे नाहीं, तो बोले फिर जैसी इच्छा, हमें क्या टेंशन है। विशाल रूप दिखा करके माता को संतुष्ट कर दिया, बाघ को उजाड़ दिया है, अच्छे कुमार को चेक करके देखा था, उन्हें क्या पता कि छह हो जाएगा बेचारे का, बाघ को सुपड़ा। मेघनाथ आयो जान बूझ के बंद के चले गए, सामने हाजिर हो गए रावण के, दो दो मुलाकात हुई थोड़ी सी। मुलाकात करने के बाद उसने कहा कि आग लगा दो। हनुमान जी समझ गए, बोले हम तो दिया सलाई भी नहीं लाए थे, चलो कोई बात नहीं, अपने आप ही इंतजाम कर रहा है, रावण काहू को मारते हैं इतने बोले, दुष्ट खुद ही मर जाते हैं कर कर खोटे, सब इंतजाम रावड़ी कर रहा था, अपने को टेंशन क्या। तो आग पूंछ में लगी और पूरी लंका जला डाली, पूंछ बुझा करके, गर्जना करके, गर्भों को स्रव कर स्रवित करके लौटे हैं। फिर पुल बनाया है, उधर विभीषण को लात मारी तो वहां पहुंचा, लंका के इस किनारे पर आ गए हैं, और युद्ध छिड़ा है साहब। युद्ध में काब है, तुम तो जानते ही हो, फूलो तो बरसत ना, एक एक मारू वो सवन मार डारू, एक एक ना टाइम ना, हाथ समझ लो कि रहा न को कुल रोवने
हारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दियान बाती। सीता जी को हनुमान जी लेकर के आए। अब विमान जो है आया है उसमें राम जी चढ़े हैं। अब बंदर एकदम भौचक के रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि ये युद्ध कभी विराम लेगा और हम राम से अलग होंगे। भूल गए थे बिसरेउ ग्रह सपनेउ सुदि नाहीं। अब राम जी ने कहा कि भैया तुमने मेरे लिए बड़ी सेवा करी, बड़ो कष्ट सहन करे और जान की बाजी लगाई, मैं जाके बदले तो तुम्हें कभी चुका ही नहीं सकत है। बस मेरा सदा तुम्हारे साथ आशीर्वाद है, दुआ है, मेरा सदा तुम्हारे संग प्रेम रहेगा, अपने अपने घर मेरी याद करते रहना है। और ऐसा कहा तो कल्पना नहीं की थी। अब तो बंदर खड़े के खड़े रह गए। बोले अब ये क्या हुआ अचानक है? जैसे कथा सुनने आप आते तो ऐसा लगता नहीं कथा कभी समाप्त तो होगी है? अचानक 9 दिन पूरे हो गए बाती बातों में, युद्ध पूरा हो गया है? अब सबकी इच्छा तो ये थी कि भगवान हम ले चले, हमको भी ले चले हम। लेकिन भगवान सबको तो नहीं ले जा सकते थे। लेकिन देखा कि भगवान ने देखा कि इनको तो ले जाना ही होगा, उनको इशारा कर दिया। विमान चला है भरत जी की याद करते हुए। राम जी केवट के घाट पे तो उतरना ही था, मजबूरी थी है? वहां उतरे हैं। हनुमान जी ने जाके भरत को साधा है। फिर राम जी पहुंचे हैं, राम और भरत मिले हैं। साहब पहचाना नहीं जाता कि कौन राम है और कौन, क्योंकि जिस दिन से राम ने भी बाल नहीं सुल जाए तो उस दिन से भरत ने भी बाल नहीं सुल जाए। प्रेमी का काम ये है कि अपना प्यारा जो भोग न भोग सके वह सेवक को भी भोग नहीं भोगना चाहिए। बस क्या हुआ के कई माँ से मिले, कौशल्या से मिले, सब लोग बोले जल्दी से तिलक करो, कहूं एक रात तो हमें बीच में गंवारा नहीं है, जल्दी कर दो, रात नहीं जानी चाहिए। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना है? भैयाओ तिलक हो गया। कुछ दिन भी बंदर भालू ठहरे हैं। फिर उन बंदर भालुओं को भगवान ने स्वयं बुला करके कहा कि अवग्रह जाओ सखा सब, भजे हु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जाने करे हु मोहि प्रेम। सबको विदा किया है अंगद सहित, हनुमान जी को छोड़ करके। निषाद से कहा था कि भैया सदा रहे ऊपर आवत जाता। निषाद को भी विदा किया है भगवान ने। भैयाओ यह आपकी राम कथा यहां लगभग विराम लेती है। उधर कागोशुंडी जी विराम देते हैं, उधर शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं कहो अब मन ठीक है ना, तो कहते हैं अब कृत कृत भयु में तब प्रसाद विश्वेश। उधर गरुण जी कहते हैं कागोशुंड जी से तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। यहां इनको दुख नहीं हुआ, खुशी हुई है। क्यों? कि राम रहस्य अनुपम जाना, खुशियों का पता लग गया, असली है आनंद का पता लग गया है। फिर उधर भरद्वाज जी के यहाँ याज्ञवल्क जी ने कथा को इसमें कहानी के विश्राम दिया है, क्योंकि कर्म की कथा तो हमेशा चलती रहनी चाहिए साहब। उधर गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काम ही नारे प्यार जिन लोभी ही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी है कि मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मने
हरहु विषम भव भीर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बस मैं भी अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि भैया जैसे कछु अपनी मति के अनुसार संतन से मैंने जो कछु ग्रहण करो सीखो, जम मेरो कछु नहीं है, है? मेरी अपनी बुद्धि में कोई बल न था न मैं न है। संतन ते सुनिए, मेरो अध्ययन नहीं है भैया, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है। संतन ने जो कृपा कर दी तो ये सब मिलो। मैंने अभी बैठेंगे थोड़ा, 5 मिनट और बैठेंगे। लास्ट के दिन की आरती करके जाना चाहिए। घर तो सदा रहना है, हैं? सदा रहना घर तो। मैं इशारा करूंगा आपको, थोड़ा सा तब खड़े होइएगा, हैं? आरती के लिए 5 मिनट और। हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करता है कोई कसर न रह जाए, कोई कसर न रह जाए। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मेरे से किसी को कष्ट न हो, हैं? लेकिन फिर भी जाने में अनजाने में, है ना, मेरी वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया से किसी भी मेरे श्रोता को कष्ट यदि पहुंच गया हो, उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके बीच में आप सबके लिए शुभकामना करता हूं व्यासपीठ से कि भगवान आपकी झोली में इतनी खुशियां दे कि आप सब बांटते बांटते थक जाओ। मैं विशेष कहूं दलिंदर और कुसुमा, इन्होंने इस कथा को सेवा के द्वारा अंजाम दिया और मुझे यजमान भी बहुत प्यारा मिला, बहुत अच्छा मिला। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम बार बार यजमान बनो और मैं बार बार वक्ता बनूं। आप यूं सुनते रहो और मैं सुनाता रहूं। संत भगवानों ने भी बड़ी शालीनता के साथ इतने दिन दर्शन दिए। मैं अपनी तरफ से और मेरे यजमान की तरफ से कोई गलती हुई हो क्षमा करिएगा। और जब कभी आपको सूचना मिल जाए कि विचित्र कूट कहीं लगा है, आप सबका स्वागत है। आप सब बैठे रहे तो दिल गदगद हो जाता है। संतों की महफिल मुझे मिले, संतों की दृष्टि मुझे मिले, बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। दलेंद्र के साथ में जिन लोगों ने भी सेवा में सहयोग दिया, है ना, एक पंडित जी बड़ी सेवा करते थे, दिन और रात वो सोए नहीं, नाम तो मैं नहीं जानता, उन्होंने सचमुच बहुत, सभी सेवकों को मेरा बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, हैं? सब खुश रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज मैं अपने यजमानों से, दोनों से कहूंगा जोड़ा से कि भगवान का शुक्रिया अदा करना कि आपकी इच्छा परमात्मा ने ही हम लोगों को निमित्त बना करके पूरी की है। आपकी जन्म जन्म की ये इच्छा ये कामना रही होगी तभी ऐसा होता है, नहीं तो साहब लोग विचार कर करके रह जाते हैं, है? मैं कहूंगा ऐसा बेटा भगवान सबको दे। दलेंद्र ने मुझसे एक ही बात कही थी, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। उसने एक ही बात कही थी कि गुरुदेव
बस मेरे मम्मी पापा मुझसे खुश हो जाए, मुझे जमाने में और कुछ नहीं चाहिए। आज शायद मैं आशा करता हूं सबके संकल्प पूरे हुए होंगे और होते रहे। भैया सब क्षेत्रवासियों को मैं भगवान से कहूंगा कि इस कथा का जो भी पुण्य फल बनता हो, जो भी धर्म कर्म बनता हो, भगवान इसको लेकर के आप सबका विकास करे, आप सबको खुशियां दे, आप सब हर तरह से फलो और फूलो। एक मंत्र है, हमसे तुमसे कोई गलती हुई हो उसे भगवान क्षमा करें। आओ हाथ जोड़ करके हम सभी बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनास, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनास, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनास, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। आंखें खोलें। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम शाम सदा शिवार्पणमस्तु। अब परीक्षित मेरा तिलक करेंगे, ऊपर आकर के मुझे विदा करेंगे। आप दो मिनट और बैठे रहिएगा, मैं जब इशारा करूं तब आप और बाकी संतों की विदाई करेंगे। दलेंद्र तो हम सभी दो मिनट और बैठेंगे। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी अपने बड़े बूढ़ों को, गुरुओं को राम राम है, सभी मैयाओं को मेरी राम राम है। फिर भी एक बार फिर कोई मेरी वाणी से कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। पता टूट्यो नार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछोड़े कब मिले दूरी पर। तुमसे
तलक तुमसे अग्नि में तलक तुमसे जिस ओर नजर डालू तेरा ही नजारा है जिस ओर नजर डालू का
चांदिदेवा हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवंदिगामि कुलजाम वाटिलाभ जय पुंडा गजादि कर वेदर साल पुष्पय बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणी ताका लोभ मानिचा पुष्पांजलि निर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री भागवत महापुराण के राजा रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, अपने का विल बना दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, अपने का विल बना दीजिए, झुक गया अपनी आदतों से मेरे प्यारे, थक गया अपनी आदतों से मेरे प्यारे, आंचल में छुपा लीजिए थोड़ा पर हम लगा दीजिए, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा पर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए,
दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, अपने का दिल बना लीजिए, आए आंचल में छुपा लीजिए, अपना दामन थमा दीजिए। भक्तों को सूचना, गाड़ी के बराबर में जो खड़े हैं वो दूर हट जाएं, दूर से खड़े होकर के राधे राधे कर ले, रास्ता में कोई न पहुंचे। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाओ